हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अंकु सर स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करा आपका चैप्टर नंबर सेवन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर थर्टीन कॉनिक सेक्शंस स्टूडेंट कॉनिक सेक्शंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सर्कल व्हाट इज अलिप्स वट इज़ अ पैराबोला वट इज़ अ हाइपरबोला देन उनके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आ सॉल्व करेंगे व्हाट इज अ सर्कल सर्कल क्या है स्टूडेंट सर्कल हम लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट सर्कल क्या है सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सर्कल क्या है ऐसे पॉइंट्स का सेट देर इक्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन एक पॉइंट फिक्स रखिए उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से क्या होगा इक्वल और ये फिक्स पॉइंट क्या है पॉइंट कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस फिक्स डिस्टेंस ओ पी वन ओ पी टू ओ पी थ्री ये सारे क्या है फिक्स्ड डिस्टेंस अब यहां पे स्टूडेंट हम लोग करेंगे सर्कल की इक्वेशंस ड्रा करेंगे अब देखिए वेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन अगर हमें गिवन हो भाई वी हैव अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड द रेडियस इज आर उसका रेडियस है आर देन देन द सर्कल इज गिवन बाय स्टूडेंट सर्कल को कैसे लिखा जाएगा एक ऐसा सर्कल हैविंग सेंटर एट जीरो जीरो और रेडियस आर उसको लिखने का क्या तरीका है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर <coughs> कभी भी आपको ये इक्वेशन लिखी हुई मिले एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा हैविंग सेंटर एट जीरो जीरो ओरिजिन और जिसका रेडियस गिवन है r यूनिट्स स्टूडेंट अब ये भी हो सकता है व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट पॉइंट सी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एच के है, HK, जब सर्कल का सेंटर गिवन हो और रेडियस हो आर

फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए इन चारों पार्ट में हमें सेंटर भी गिवन और रेडियस भी गिवन जैसे देखिए यहाँ पर पार्ट ए हमें गिवन सेंटर जीरो टू और रेडियस टू सेंटर एच के एच के की जगह क्या आ रहा है जीरो टू रेडियस आर आर की जगह क्या आ रहा है टू अब यहाँ पे इक्वेशन किस टाइप की होगी एक्स माइनस एच का स्क्र प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू टू एच की जगह जीरो सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा के की जगह टू सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा आर की जगह टू सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स माइनस जीरो स्क्र प्लस वाई माइनस टू स्क्र इज इक्वल टू टू स्वेयर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस जीरो स्क्र एक्स स्केर यह आ गया एक्स स्टूडेंट एक्स माइनस जीरो स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर ए माइनस बी का स्केयर हो जाएगा वाई स्केयर प्लस टू स्केयर फोर माइनस टू ए बी ए माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला लगा लीजिएगा इसके बराबर आ गया इस इक्वल टू टू स्केयर फोर 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 कैंसल सो हमारे पास इक्वेशन क्या बची एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो इसी तरह से पार्ट सी बी सी डी और ई e, ये पार्ट ड्राई ट्राई कर लीजिएगा इनमें भी हमें गिवन सेंटर गिवन रेडियस निकाल देनी इक्वेशन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है इस क्वेश्चन में सेंटर रेडियस गिवन इक्वेशन निकाली क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया द सेंटर एंड रेडियस वहां पर सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला गया हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन जो है क्या एक्स प्लस फाइव होल स्क्री होल स्क्टी सिक्स एक्स प्लस हमें गिवन। इसको कंपेयर कर लो इक्वेशन जो सर्कल की इक्वेशन होती है क्या एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर अगर इनको आपस में कंपेयर कर दें देखिए एक्स प्लस फाइव का होल स्केयर कंपेयर करना एक्स माइनस एच का होल स्केयर एक्स एक्स आ रहा है स्केयर की जगह स्केयर आ रहा है एच की जगह आ रहा है एच की जगह क्या आएगा माइनस फाइव देन सेकेंड ब्रैकेट के लिए के की जगह क्या आ रहा है थ्री राइट हैंड साइड थर्टी सिक्स बोला जा सकता है सिक्स का स्केयर है क्या आर का स्केयर मतलब आर क्या आ रहा है सिक्स सो एच के आ गया माइनस फाइव के क्या आ गया थ्री आर के आ गया सिक्स इट मीन सेंटर क्या आ गया माइनस फाइव थ्री रेडियस क्या आ गया सिक्स <coughs> ये था स्टूडेंट पार्ट ए इसी तरह से पार्ट बी यहाँ पर क्या है हमें इक्वेशन गिवन एक्स प्लस वाई स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करूँगा इसको मैं एक्स माइनस एच का होल स्क्र प्लस y minus K R square, उस फॉर्म में लिखूंगा उसके लिए देखिए सबसे पहले इक्वेशन गिवन एक्स स्केर प्लस वाई स्केर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाइव माइनस फोर्टी टू जीरो पहले क्या किया ये माइनस फोर्टी लेफ्ट से राइट right साइड पे लिख दिया फिर एक्स ये माइनस फोर एक्स को मैंने लिख दिया एक्स के साथ और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया हमारे पास ए माइनस बी का होल स्केयर क्या फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी अब देखिए एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स को लिखने के लिए मैंने लिख दिया टू इंटू टू एक्स प्लस वाई स्केयर माइनस एट वाई को मैंने लिख दिया टू इंटू फोर वाई प्लस टू का स्केयर खुद से ऐड करा टू का स्केयर खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया सिमिलरली फोर का स्केयर खुद से ऐड करा फोर का स्केयर खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया किसके बराबर फोर्टी फाइव फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर दूसरी टर्म माइनस टू इंटू टू एक्स देन ये टर्म मैंने लिख ली प्लस टू का स्क्वायर ये तीनों इकट्ठे लिख लिए फिर वाई स्केयर फिर ये टर्म प्लस फोर स्केयर माइनस टू इंटू टू वाई ये इकट्ठे लिख लिए फिर स्टूडेंट माइनस टू स्केयर फोर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन किसके बराबर सिक्सटी फाइव फर्स्ट थ्री टर्म्स ये क्या बन गई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये क्या बन गई वाई माइनस फोर का होल स्केयर फोर्टी फाइव माइनस सिक्सटीन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी ये मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया प्लस का ट्वेंटी हो गया ये क्या आ गया एक्स माइनस टू का होल स्केयर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्केयर फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी किसके बराबर आ गया सिक्सटी फाइव अब इसको कंपेयर कर देंगे कंपेयर करने पर एच की जगह टू वाई की जगह सॉरी एच की जगह टू के की जगह फोर सेंटर एच के मतलब टू फोर रेडियस राइट हैंड साइड में आर का स्केयर यहाँ पर है क्या सिक्सटी फाइव इसको लिखा जा सकता है स्केयर रूट सिक्सटी फाइव का स्केयर सो आर के आ गया रेडियस के आ गया अंडर रूट सिक्सटी फाइव यूनिट्स इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकिन ये कर लिया जाएगा और इसके रिमेनिंग पार्ट वो भी कर लिए जाएंगे हमें गिवन इक्वेशंस और इसी तरह से स्केर्स उनको कंप्लीट करके सेंटर और रेडियस वो निकाल दिया जाएगा सर स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड यही रखेंगे कल से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑनवर्ड्स वो करेंगे और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे थैंक यू